अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड पाना है? ओए हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। कौन करेगा फिल्म में सिनेमेटोग्राफी? किस लुक में दिखेंगी श्रुति हसन? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को सुर्खियों में आने के लिए किसी फिल्म की जरूरत नहीं होती है। उनका किसी इवेंट में जाना और फेस्टिवल मनाना ही उनको सुर्खियों में लाने के लिए काफी है। लेकिन इस बार भाईजान अपनी अपकमिंग फिल्मों की वजह से भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। भाईजान की इस बार अपकमिंग फिल्म टाइगर 3, रेस 4, बजरंगी भाईजान और सुल्तान 2 जैसी और भी कई फिल्मों को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। फिल्म सुल्तान में वो एक बार फिर रेसलर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ साउथ की सुंदरी श्रुति हसन लीड रोल में अभिनय करती हुई नजर आ सकती हैं। श्रुति साउथ के पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर और एक्टर कमल हसन की बेटी हैं और कमल हसन ने भाईजान सलमान खान के बहुत अच्छे संबंध हैं और शायद उन्हीं आपसी संबंधों के कारण श्रुति हसन अब इस फिल्म का हिस्सा हो सकती हैं। हालांकि सुल्तान में अनुष्का शर्मा लीड रोल में नजर आई थी और अब लगता है कि अनुष्का की जगह श्रुति हसन लेने की तैयारी में है। फिल्म में श्रुति अरफा का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी, जिसके लिए उन्होंने जिम करनी स्टार्ट कर दी है क्योंकि अरफा भी एक रेसलर और वो किरदार अच्छे से निभाने के लिए श्रुति दिन रात मेहनत करने की तैयारी कर रही हैं। वो फिल्म में पहले एक टिपिकल हरियाणवी लड़की के रोल को निभाती हुई नजर आएंगी, जिसमें वो हरियाणवी दामन और कुर्ती पहने हुए नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ वो रेसलर के मैदान में स्पोर्ट्स वाले कपड़ों में नजर आएंगी। श्रुति के फैंस उनके इस फिल्म का काम करने में लेकर बहुत खुश हैं और वो फिल्म में उनके लुक को देखने के लिए बेताब हैं। अब लुक तो आप तब भी देख पाएंगे जब मेकर्स लुक रिलीज करेंगे, लेकिन हम इस वीडियो के थ्रू आपको उनके लुक के बारे में ये छोटी सी जानकारी दे सकते हैं जो कि हमने दे दी। फिल्म की स्टारकास्ट के साथ और स्टोरी लाइन के साथ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी विशेष महत्व रखती है और एक बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर ही फिल्म को अच्छे से शूट करके सीन्स के मुताबिक शॉट लेता है और फिल्म में एक शानदार सिनेमेटोग्राफर की जरूरत को पूरा करने के लिए मेकर्स ने बेहद ही एक्सपीरियंस्ड सिनेमेटोग्राफर आर्थर जोरावस्की संभालेंगे। इससे पहले उन्होंने मर्दानी, भूमि, किक और सुल्तान जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है। उनकी सिनेमेटोग्राफी स्किल्स का जादू दूर दूर तक फैला है। सलमान और श्रुति स्टारिंग ये फिल्म साल 2024 तक रिलीज की जा सकती है। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के बाकी सभी अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज से। यहां हम आपको देंगे बॉलीवुड की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। धन्यवाद।